हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद खान और आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के सुल्तान। हैदर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग क्या है। अच्छा क्वेश्चन करा आपने, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बॉडी बिल्डिंग भाई, मतलब वैसे कुछ नहीं, बॉडी बिल्डिंग जुनून मान लो आप, पैशन मान लो, नशा मान लो, कि मतलब ये जी हमें करना ही करना है। मतलब नशा जिसे लग गया ना, बस वो करेगा, बस चाहे कहीं से करो, कहीं से पैसे लाओ। मैंने भी ऐसे ही करा, मेरे पापा ने मतलब स्ट्रगल करा, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, तो बस कि बस कुछ पाने के लिए नहीं, बस बॉडी बिल्डर बनना है। कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उससे कोई चक्कर नहीं, बस मुझे बस ये है वो बॉडी बिल्डर बनना है, बनना किसी तरह। ये नहीं कि पैसे कमा लो या फिर कोई नौकरी लग जाएगी। बस ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, लड़के बस जिम या ट्रेनर बन जाते हैं या फिर जिम खोल लेते हैं, बस ये रहता है। बाकी तो बस ये पैशन ही होता है एक तरह से, कि बस मुझे बॉडी बिल्डर बनना ही है। क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, बस बच्चा चेक कहीं से पैसे कर रहे थे, मतलब ये मानो अभी मैं अपने बताऊँ तो, मैं अगर जो मुझे कहीं ईद पर शादी में कहीं जाना होता है, मैं जूते लाने हैं या फिर मुझे कपड़े लाने हैं, तो मैं उसे नहीं लाता। अगर मेरे पास पैसे जो भी मतलब मैं सेव करता हूँ, तो उसमें सोचता हूँ पहले अपना जो मेरा सप्लीमेंटेशन होता है, मेडिसिन होती है, मतलब उसे लाता हूँ पहले मैं। अगर जो कुछ बच जाता है तो जब ले आता हूँ मैं, बाकी तो पहले मैं अपना डाइट का और अपना सप्लीमेंट का करता हूँ। ऐसे नहीं, मुझे एक तरह से तुम जुनून ही मान लो, कि मतलब कुछ भी हो, मतलब सबसे पहले फर्स्ट मेरा यह है, उसके बाद फिर मैं कुछ बिल्कुल करता हूँ। अब तो बस मैंने 2-3 साल में काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया, ऊपर वाले का हाथ रहा है कि मैंने अपना ये जिम बना लिया है, अपना घर बना लिया है और फिर अपना खुद का सेटअप खोल लेता। पहले मैं ट्रेनिंग देता था, तो अब तो ये दिक्कत परेशानी आती नहीं, अब तो मैं अच्छे से कर लेता हूँ। मगर पहले मैंने जब मेरा स्ट्रगल चल रहा था, तो उस टाइम मैंने ये चीज़ें करी। मेरी बॉडी बिल्डिंग करियर में मेरा मतलब फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है, मतलब उनके बिना मैं कुछ नहीं। क्योंकि मेरे अब मेरे जो पापा हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट करा मुझे, कि मतलब आस पड़ोस के जो मतलब आदमी हैं, लोग हैं, मतलब वो बोलते थे कि भाई तो अपने काम में पैसा नहीं लगाते, इसके ऊपर इतने पैसा लगा रहा है, तो कुछ काम कर ले, कुछ कमा ले। तो मगर वो उन चीज़ों को सबको इग्नोर करते थे, बस वो मेरे पीछे लगे रहते थे। मैं ये मानो कि मतलब 1000 रुपये अगर जो कमा रहे हैं, तो मतलब 800 का खर्चा मेरा हो रहा है, तो बस घर में चाहे मतलब एक टाइम में मतलब चटनी बननी है तो चटनी से रोटी खा रहा है, मतलब मेरी डाइट प्रॉपर हो चुकी है। तो मतलब इतना वो करते थे, मतलब फैमिली की सपोर्ट बहुत रही है मेरे। छोटा भाई है मेरे से, हाशिम नाम है उसका, वो मेरे साथ मतलब हर वक्त उसी की सपोर्ट, उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है, वो भी बहुत हेल्प करता है मुझे। क्योंकि कंपटीशन के टाइम मैं 0 कार्ड पर रहता हूँ, इरिटेट सा हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, ना किसी से बात करने का मन करता, ना चीज़ करने में। घर में मतलब अब मेरी फैमिली है, मतलब उनको सबको बोलने लगता हूँ, मेरी फैमिली को तो पता ही है कि इरिटेट है, तो वो मेरे से कम बात करते हैं, मतलब छेड़ते नहीं है ज़्यादा, मतलब दूर ही रहते हैं। मैं बता ही रखता हूँ मेरा, मतलब चिल्लाता हूँ बहुत, ज़रा सी बातों पर चिल्लाता हूँ। और मेरी वाइफ मतलब अभी मेरे 3-4 महीने पहले ही शादी हुई है, तो मेरी वाइफ अब नई नई आई है, तो उसे अभी उस बारे में पता नहीं है। तो उसे मैंने क्या करा, जब कॉम्पिटिशन के टाइम में मतलब उसे समझा दिया कि भाई मेरा ऐसा हो जाता है थोड़ा, मतलब इरिटेट सा हो जाता हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा हाँ ट्रेनिंग के टाइम में तो 0 कार्ब रहता है, खाना पीना बंद हो जाता है बिल्कुल, सब कुछ पानी भी बंद हो जाता है लास्ट टाइम में हमारा। तो मैं उसे बोलता रखता हूँ कि बस थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लियो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो उसे समझा कर रखता हूँ, तो फिर उसे कम बात करता हूँ, वरना लड़ाई हो जाती है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो बस ये चीज़ है, इन चीज़ों को रहना होता है। बाकी मतलब मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है, मतलब मेरा पापा ने बहुत शुरू में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी, अम्मी है, मतलब मेरी बहन है, वो मेरे पूरे दिन डाइट बनाना, टाइम पर देना। अब तो मेरी शादी हो गई, मतलब वाइफ भी करती है उस, अब वो सपोर्ट जो काम वो करती थी अब वो करने लगी है थोड़ा, जो वो नहीं होती तो वो करती है, मतलब फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और मतलब एक मेरे भाई का रोल रहता है, मतलब जैसे अभी जिम है मेरा, तो फिर मेरा भाई है, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मतलब ये मानो कि आप जब मैं वर्कआउट करता हूँ, तो बस मैं बिल्कुल एकदम फ्री रहता हूँ, फ्री रखता है पूरा जिम, मतलब यही संभालता है। ट्रेनिंग जो लड़कियाँ आती हैं जिम में हमारे, कार्डियो वार्डियो सब ये कराता है, मतलब ठीक है। और फिर मतलब पूरे मतलब जिम का मतलब सब काम ही संभालता है, बस मुझे फ्री कर रखता है। फिर जब मैं कॉम्पिटिशन में जाता हूँ तो मेरे साथ रहता है, फिर मतलब मुझे टैन क्रीमिंग वगैरह सब यही करता है। फिर हमारा डाइट का क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, पॉलिश ले जानी है, ये स्प्रे ले जाना है, ये मतलब ये खाने का, ये चावल लेके जाने हैं, एक्सिस ने लेके जाने, मतलब हर चीज़, मतलब ये चॉकलेट वॉकलेट जो भी, मतलब एक सारी चीज़ें रहती हैं सब, ये रिस्ट बैंड डंबल्स वगैरह, मतलब सब चीज़ बिल्कुल फिट करके रखता है। क्योंकि मुझे पता है कि भाई का
इरिटेट होता है, वो बोलने का मन नहीं करता, तो अपना भी एडजस्ट कर लेता है, बस हर जगह बिल्कुल साए के साथ रहता है। इसके बिना मतलब ये मान लो मैं कुछ नहीं, हाँ कुछ भी नहीं मैं इसके बिना, सच में रियलिटी है। जी कुछ टाइम ऐसा होता है भैया किसी से बात भी करना ना कोई, क्योंकि लड़के क्या होता है जिम में सवाल जवाब बहुत करते हैं, उस बीच में बोलने का मन नहीं होता बिल्कुल भी इनका, और जब बोलने का मन नहीं होता ये अनाप शनाप कुछ भी बकते हैं। अच्छा बहुत सीधा पैसा, बच्चों को धमका दें, जब प्लेयर हों उन्हें भी धमका दें, तो मैं खुद ही बोलता हूँ मैं ऐसा सिस्टम डाइट पर कोई ज़्यादा परेशान है, जैसे खुद के मेरे दोस्त हैं उन्हें भी एक दो दफ़े गालियाँ दे दी। अच्छा हाँ तो उन्होंने मतलब इस वजह से, तो मैं खुद काम में भी सर ना डाइट पर अगर ज़्यादा टेंशन ना लियो जो बात है तो मुझे कह लियो चल, ऐसा होता है बहुत ज़्यादा मतलब। अब बाहर जैसे रहते हैं वहाँ पे भी थोड़ा लो रखना पड़ता है रेस्ट पे भी, तो आप सारा ध्यान रखते हो लगाने का, तो लगभग भाई को भी सारी नॉलेज हो चुकी होगी। हाँ मेरा मतलब ये मानो कि मेरा मतलब पूरी फैमिली जो है पूरा घर में मतलब सब अम्मी हो अब वो मतलब उन्हें मेरी डाइट क्या है क्या मैं खाऊंगा, अब मेरा नमक बंद हो रहा है तो तीन दिन चार दिन पहले जैसे मैं नमक बंद करता हूँ तो वो अपना भी ऑटोमेटिक ही मतलब नमक मतलब जो राइस होते हैं मतलब जो भी मैं लेता हूँ उसमें नमक हटा देते हैं, लेस कर देते हैं, और फिर मतलब ये चीज़ें मतलब हर चीज़ का मेरा बीसी जब रहे प्रोटीन, अगर जब अम्मी को बोलूँगा कि भाई मेरा वो बीसी ला दो, सब पता है क्योंकि पूरा घर मतलब ये मान लो मेरे पीछे रहता है, तो उसमें कि मैंने बोला प्रोटीन भेज दो, अब उन्हें पता है कि मेरी अम्मी को मतलब इतना भी पता है कि आइसोलेट चलेगा इसका भी, आइसोलेट खाएगा, तो मतलब सामान रखा रहता है ना सप्लीमेंट में बच्चों को भी रखा रहता है सबका, तो वो ही ला के देंगे, उनको बोलूँगा या मेडिसिन ला दो तो मेडिसिन ला के देंगे, तो सब चीज़ों का घर में सबको पता है, मम्मी को ही पता है। हाँ सबको हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल हाँ हाँ डाइट को ना पता है कि आप चावल बंद होंगे तो वो चावल हटाएंगे, वो चिकन चिकन ला के देंगे बिना ऑयल के मतलब। हाँ नहीं होगी नहीं एजुकेटेड नहीं है, नहीं एजुकेटेड नहीं है, उसके बाद भी ना सब चीज़ों का पता रहता है कि अब ये बंद करना है, अभी उसका अभी ये चिकन चिकन खाएगा अंडे अंडे खाएगा, और हाँ ये सब पता है बिल्कुल एकदम, मतलब इतने में वर्कआउट करता हूँ तो डाइट एकदम रेडी भी रहती है, मतलब फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, फैमिली के बिना मतलब ये मानो मतलब मेरे लिए तो मतलब पॉसिबल नहीं है। आपके लिए क्या हैदर भाई, सभी के लिए अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो उनका बच्चा कामयाब हो जाता है, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिगर मुश्किल आते हैं, मतलब बहुत मुश्किल करते हैं बहुत से। इतना एक्सपेंसिव गेम है बॉडी बिल्डिंग है ना, हर किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बहुत से बच्चे होते हैं कि भाई उन्हें अलग से करना पड़ता है, अभी अपना इधर से पैसे उधर से पैसे करके चोरी छिपे करते हैं, मगर बाकी अगर जो सपोर्ट मिल जाए तो पीछे तो फिर आदमी थोड़ा फिर आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। बॉडी बिल्डिंग क्या है ना, ये एक तरह का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है कि हम शुरू में तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर ऊपर वाला अगर आपकी आपने अच्छी मेहनत करी है, आप डेडिकेशन के साथ में इसमें लगे हुए हैं, तो इसका ना एक अच्छा रिजल्ट निकलता है जो कि आपके सामने, भाई का आज जिम है, काफ़ी अच्छा मकान बना लिया है मेरा। अच्छा 3 करोड़ का जिम है जी। इसमें टाइमिंग मेरा है ना पूरा दिन जिम चलता है भैया, पूरा दिन हाँ पूरा दिन जिम चलता है, सुबह मैं मतलब मेरे पास मतलब अब जो है पहले तो नहीं है, अब मेरे पास कोचेज आते हैं मतलब जो जिम ट्रेनर हैं वो कोचिंग लेते हैं, दूर दूर से आते हैं मतलब 10-10 किलोमीटर। कहाँ कहाँ से आते होंगे आपके पास? मेरे पास यहाँ से मानो के बस बड़ोद से लड़के आते हैं, सराय से आते हैं, कुछ मतलब बच्चे ऐसे हैं दिल्ली से भी आते हैं जो वीक में मतलब एक बार आते हैं, मतलब डेली तो आ नहीं पाते, बुलंदशहर तक के बच्चे आते हैं मतलब बुलंदशहर तो यहाँ से काफ़ी दूर है। बिल्कुल बिल्कुल वीक में मतलब 15 दिन में मतलब एक बार आते हैं एज अ ट्रेनिंग लेने गाइड, ये चीज़ें होती हैं मतलब ये वही होता है कि सही कोच मिल जाता है, किसी को सही भरोसे वाला आदमी मिल जाता है तो आदमी चाहे वो कहीं हो क्योंकि जुनून है तो वो जाएगा वहीं पर, क्या वही लगेगा ये सही है। बुलंदशहर तो मेरे हिसाब से लगभग यहाँ से 200-250 किलोमीटर होगा। हाँ बिल्कुल 150 तो हाँ इतना तो है करीब। दोस्तों कोई भी आपको ट्रेनिंग लेनी हो तो आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैंने ये लिंक डाल दिया है आप इसे देख लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हैदर मलिक फिटनेस, उस पर आप कोई भी मैसेज DM कर सकते हैं मुझे, मतलब उसका मैं मतलब मोस्टली होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ सबको, मतलब कोशिश रहती रहती है, तो आप कोई भी मैसेज कोई भी इंक्वायरी पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह जो भी लेना चाहते हो मतलब ले सकते हो। तो दोस्तों ये थे हैदर भाई, आपने इनके बारे में जाना, इनके स्ट्रगल के बारे में जाना, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, काफ़ी अच्छी इनकी स्टोरी है, आपने सारा जाना कि इनके
फादर साहब ने कितना सपोर्ट किया, अपने लिए कुछ नहीं करा, अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया। तो दोस्तों, हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।